और मतलब चले ही जा रहे हम कहाँ आ गए और पता ही नहीं, हम 2-3 किलोमीटर वॉक कर चुके हैं बट हमें अभी तक अपार्टमेंट नहीं मिला। और ये हम आ चुके हैं अपने अपार्टमेंट में। बेसिकली मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा खाली एक रूम है, मैंने इसकी पिक्चर गूगल पे देखी और उसको बुक कर लिया। लेटर ऑन जब हम इधर आए हैं तो पता चला है भाई ये तो पूरा का पूरा अपार्टमेंट अपना है। बड़ी खुशी हो रही है हमें। क्यों सर जी, आप बताएं कैसा लग रहा है आपको सर ये अपार्टमेंट? ये मेरी तरफ से आपके लिए सर गिफ्ट है, एक छोटा सा। ठीक है जी, थैंक यू। नहीं पसंद आया? नहीं, अच्छा, नहीं वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा घर ही जैसा कंफर्टेबल काफ़ी है। लाइक आप देखें, मैं वो पूरा विजिट कराती हूँ। ये इन्होंने एक लाउंज सा बनाया हुआ है, इसमें भी इन्होंने 2 बेड्स लगाए हुए हैं और मैं सुबह आपको और अच्छे से इसको डे लाइट में दिखाऊंगी क्योंकि अभी हम आए हैं नाइट व्यू में, पता नहीं वो डार्क हो रहा है। ये देखें किचन से पहले हम जाते हैं, टिंग टिंग। यहाँ देखें ज़बरदस्त टॉयलेट है, वॉशरूम। ये देखें मशीन भी दी हुई है, ड्रायर भी है। और ये मैं हूँ, कैसे हैं आप लोग? और देखिए इन्होंने सब चीज़ें जो है ना वो लाइक सोप है और शैम्पू और हर चीज़ है, टॉवल्स हैं। और फिर अब हम देखते हैं किचन। ऐसी किचन बड़ा खूबसूरत छोटा सा बनाया हुआ है और छोटा सा डिश वॉशर है। यहाँ पर इन्होंने ये गार्बेज का लगाया हुआ है, बड़ा साफ सुथरा। और ये देखें डिश वॉशिंग के लिए लिक्विड भी दिया हुआ है। सारे कैबिनेट ज़बरदस्त, सब कुछ अवेलेबल है इधर, हर चीज़ है। पॉरेज, ब्रेकफास्ट का सामान और अगर लाइक कॉफ़ी का सामान, ऊपर देखें तो शुगर, मैक्रोनी का पैकेट, इसमें क्या है, इसमें क्लीनिंग का सामान है, ये सारा का सारा। ये माइक्रोवेव है, ऑयल भी है और ये स्पून्स आप देख लें, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में रखा है। पैंस भी हैं। वाह भाई, हम तो एक रूम समझ के आए थे, हमें पूरे का पूरा अपार्टमेंट मिल गया, मैं बड़ा खुश हूँ। ये देखें और ये कॉफ़ी का सामान भी, आज़म ने कहा कॉफ़ी का सामान ले आते हैं, मैंने इनको बता रही हूँ कि ये पूरा का पूरा इन्होंने दिया हुआ इधर। हाँ मैंने दिखाया, पैन्स हैं, एग्स ले लेते हैं, 6 एग्स वगैरह। हाँ ब्रेकफास्ट बनाएंगे ना इधर। और ये देखें, ये तो हम लेकर आए कॉफ़ी मशीन, टोस्टर, ग्रीन टी, ये कॉफ़ी बैग्स हैं बट कॉफ़ी ऊपर रखी हुई है, कॉफ़ी ऊपर। ये फ्रिज है ऑटोमेटिक, बड़ा ज़बरदस्त, ये हम सामान लेकर आए थे ये हमने इसमें रखा है। और ये फ्रीज़र है और ये बाहर का व्यू सुबह दिखाऊंगी मैं आपको, कर्टन्स भी लगे हुए। सही है जी, मैंने जल्दी जल्दी ओवरव्यू आपको अपार्टमेंट का दिखाया है। अब उसके बाद ये बालकनी भी है बेसिकली यहाँ पे, जो कि मैंने अभी अभी डिस्कवर की है, हज़म को पता नहीं था कि बालकनी भी है। ये देखें तारा भाई, हम ना छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ा खुश होते हैं हम लोग, और मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं बेसिकली मैं वाकई बड़ी खुश हो रही हूँ कि कंफर्टेबल वे में हम यहाँ पर अपने 2 दिन गुजारेंगे। और यहाँ पे अभी आज़म के कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनका वेट कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। डिनर पे जा रहे हैं, आई थिंक यहीं डिनर कर लेते हैं ना अरेंज। लेके जा रहे हैं। अच्छा वो हमें डिनर पे लेके जा रहे हैं, चलें। ये बेडरूम रह गया था, ये देखें बेडरूम भी इन्होंने अपने हिसाब में बनाया हुआ है, जैसे ये लैंप है और ये बड़ी सारी कैबिनेट्स है भाई। दिस इज गुड अपार्टमेंट, दिल आ गया। हम भी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक, तो वो भी मुझे इसी तरह का ही है, बिल्कुल इसी तरह का बना हुआ है। उसकी क्या नाम है हमारा? व्हाट? हमारा जो मतनीति पुया है। हाँ तो ये है कंप्लीट अपार्टमेंट। बस अभी हम थोड़ी देर पहले होटल आए थे, फ्रेश हुए, सामान रखा और उसके बाद आपको अपार्टमेंट दिखाया। और अब हम बाहर जा रहे हैं आज़म के फ्रेंड के साथ कहीं कुछ खाना खाने, देखते हैं हम क्या खाते हैं और आपको दिखा सकते हैं या नहीं। स्टे विद अस। काफी सारे लोगों को है, हो सकता है कोई हवा की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, काफी सारे लोगों को है, बच्चों को भी हुआ है बहुत ज्यादा।
यूनिवर्सिटी ऑफ वासा है और ये पूरा जो एरिया उधर तीन चार यूनिवर्सिटीज हैं। पूरा बीच जो है वो जमा हुआ बर्फ में। ओके खाना वगैरह खा लिया था और थोड़ा सा शहर बाहर बाहर से ऐसी गाड़ी में हमने देखा और हम वापस आ गए अपार्टमेंट में और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है सुबह से ट्रैवलिंग। सो बस अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और आपसे दोबारा दूसरी वीडियो में मुलाकात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।